हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा कंटेंट है वो एक सैमसंग के ऊपर है, सैमसंग मोबाइल के ऊपर है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि एक सैमसंग का फ़ोन है, जे टू फ़ोन है, जिसमें नेटवर्क नो सर्विस इशू के वजह से आया था। तो मैंने जब इसको फाइंड आउट किया तो देखा तो इसकी जो IMEI थी फ्रेंड्स, तो IMEI इसकी 0-0 हो चुकी है। किसी टेक्नीशियन ने या जो भी इसमें काम किया है या जो भी था, तो इसकी IMEI 0-0 हो चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड। तो उसके कारण इसमें नो सर्विस का इशू आ रहा है। तो चलिए इसको हम पूरा फाइंड आउट करते हैं, सब कुछ कैसे क्या करना है। IMEI इज़ चेंज इन लीगल, लीगल नहीं है, बिल्कुल भी इन लीगल है। तो कभी भी आप रिपेयर करें और चेंज करने की कभी भी कोशिश ना करें फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये सारा चीज़। तो इसको हम सारा प्रोसेस करेंगे, वीडियो के लास्ट एंड तक देखिएगा। इसको हम रूट करेंगे और रूट करने के बाद इसको रिपेयर करेंगे, इसकी IMEI को, और देखते हैं फिर हमारा आता है कि नहीं आता है। चलिए फ्रेंड्स, और इसका जो भी है लीगल IMEI इसमें राइड होगा, और इसमें मैं दिखाना चाहता हूँ कि इसकी जो लीगल IMEI है, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए यहाँ पे लीगल लीगल जो भी इसकी IMEI है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये ब्लर हो रहा है। तो इसका जो भी IMEI लीगल है, यहाँ पे लास्ट में 7 है, तो हमने इसकी IMEI टाइप करके रख दी है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये आप देख सकते हैं IMEI इसकी मैंने रख दी है। तो एक बार जूम करके ये देख सकते हैं 5-7, लास्ट में 5-7 हुआ भी है और यहाँ पे भी लास्ट में 5-7 है। तो आप रिपेयर करें, कभी भी चेंज ना करें। तो चलिए वीडियो को लास्ट लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड, इसको रिपेयर करने के लिए जो जो आपको ज़रूरत है मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इस फ़ोन का TWRP फाइल चाहिए, और उसके बाद सुपर सू चाहिए। तो दो फाइल की ज़रूरत पड़ेगी इसको फ्रेंड। तो सबसे पहले हम वीडियो को देर ना करते हुए फटाफट हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे और सारा चीज़ हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को करेंगे। तो फ़ोन को फ्रेंड्स हमें करना क्या है, सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे लाइव ही करके दिखा रहा हूँ सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हमें इस TWRP फाइल को हमें फ्लैश करना है अपने मोबाइल में। जैसे उसकी रिकवरी चेंज हो जाएगी, और रिकवरी चेंज होने के बाद हमारा जो सुपर सू है वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो उसके लिए फ्रेंड्स हमें जाना होगा, मैं Z6 यूज़ कर लेता हूँ और अपना मॉडल सेलेक्ट कर लेता हूँ G210F। हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेलेक्ट हमने कर लिया है। अब उसके बाद हमें जो इसकी फाइल है TWRP, जहाँ पे हमने यहाँ पे रखी हुई है, डेस्कटॉप पे रखी हुई है, तो हम डेस्कटॉप पे जाएंगे और ये देख सकते हैं हमारी ये TWRP फाइल यहाँ पे रखी हुई है। तो TWRP फाइल को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद सिंपल इसको डाउनलोड मोड पे आपको लाना है। तो डाउनलोड मोड पे आपको पता ही है कैसे फ़ोन को डाउनलोड मोड पे हम लाते हैं, वैल्यूम डाउन, होम बटन और पावर की। तो उसको करने के बाद यहाँ पे आपको कनेक्ट कर देना, और सीधा आपको यहाँ पे फ्लैश कर देना है नॉट फाउंड। और यहाँ पे देखिए हमारा कनेक्टेड हो चुका है, और ये सिंपल तरीके से हमारा ओके हो चुका है। अभी जब फ़ोन प्रॉपर ऑन हो जाएगा फ्रेंड्स, उसके बाद आपको सारा स्टेप बाय स्टेप में ही मैं करके दिखाने वाला हूँ। तो जब जैसे हमारा ये फ़ोन अभी ऑन हो जाएगा, ऑन होने के बाद हमें ये जो फाइल है, ये जो हमारी सुपर सू की फाइल है, अपने फ़ोन की लोकल डिस्क में रख देना है, लोकल स्टोर में आपको वहाँ पे रख देना है फ़ोन का स्टोर में। तो मैं फ़ोन का स्टोर अभी ओपन करूँगा सारी चीज़ें, तो फटाक से, क्योंकि वीडियो देर ना करते हुए मैं सारा स्टेप बाय स्टेप ही करने वाला हूँ फ्रेंड्स। कोई भी वीडियो आप स्किप नहीं करिएगा, फोन हमारा अभी स्टार्ट हो रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो फोन अभी मैं वेबकैम तो ओपन नहीं किया हूँ, हालांकि वेबकैम से भी मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पे सारी चीज़ें। और ये हमारा फोन ऑन हो चुका है, यहाँ पे हम अलाउ कर देते हैं, यहाँ पे हम गए और इसको हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम इसको लोकल डिस्क में रख देंगे। तो यहाँ पे हम गए, ये हमने सेलेक्ट किया, और यहाँ पे फाइल ट्रांसफर, फाइल ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे, ट्रांसफर फाइल, ये आ गया हमारा जेट। और यहाँ पे हम इसको बाहर ही इसको पेस्ट कर देंगे, हमने यहाँ पे फाइल को पेस्ट कर दिया है, इसको कट करेंगे। अब आपको हम मोबाइल में करके दिखाते हैं कि क्या क्या प्रोसेस आपको करना है। मैंने एक हाथ से इसको यूज़ नहीं कर पाया फ्रेंड, आपको दिखाया नहीं। आपको फ़ोन को रिकवरी मोड पे ले जाना है फ्रेंड्स, आपको फ़ोन को रिकवरी मोड पे ले जाना है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इस फ़ोन को मैंने रिकवरी मोड पे ले आया, तो आप यहाँ पे इंस्टॉल पे जाएंगे। इंस्टॉल पे जाने के बाद आपकी जो नीचे फाइल है फ्रेंड्स, ये स्क्रोल नीचे होगा,
तो आप ये दे सकते हैं जो हमने यहाँ पे फाइल डाला हुआ था अपडेट सुपर सू, ये आपको कर देना है इंस्टॉल। ये थोड़ा सा सुपर सू, ये रिकवरी में जाने के बाद थोड़ा सा टच का इशू हो सकता है आपका भी, तो हम इसे कर देते हैं। आपको इसको जो हमने यहाँ पे इसके लोकल डिस्क में डाला था आप इसको कर देना है। जैसे आप प्रेस करेंगे आपको सीधा यहाँ पे राइट स्वैप कर देना है यहाँ पे, ये हमने कर दिया। और ये जो फाइल थी अब स्टैक होकर करके यहाँ पे हमारा सुपर सू इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं आपके सामने लाइव भी कर रहा हूँ फ्रेंड्स सारा चीज़। तो आपको सबसे पहला स्टेप था कि आपको यहाँ पे इसको टी डब्ल्यू आर पी फाइल डालनी है। टी डब्ल्यू आर पी फाइल डालने के बाद यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि सुपर सू हमें इंस्टॉल करना था। तो रिकवरी में आपको जाना है, रिकवरी आपको वैल्यूम अप, होम बटन और पावर की को प्रेस करते तो ये फ़ोन रिकवरी मोड पे जैसे ही जाता तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जैसा कि हमने आपको दिखाया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा चल रहा है बहुत इजी तरीके से। जैसे ही हमारा ये सुपर सू इंस्टॉल हो जाएगा फ्रेंड्स, और फिर उसके बाद हम IMEI को रिपेयर कर सकते हैं। IMEI चेंज इज़ इनलीगल, आप उसे कभी भी नहीं करेंगे। अब यहाँ पे सिंपल हमें रिबूट सिस्टम पे क्लिक कर देना है। थोड़ा सा इशू हो सकता है टच का आपका, ये आपका सॉफ्टवेयर में, तो ये हमने रिबूट कर दिया है। अब फ्रेंड सारा स्टेप बाय स्टेप आप देखिएगा रिबूट करने के बाद क्या प्रोसेस है। सारा प्रोसेस आप वहाँ पे लाइव ही देखेंगे। ये वही मॉडल है जैसा कि मैं आपको दिखाया था सारी चीज़ें यहाँ पे। तो जस्ट अ सेकेंड अभी चालू हो जाएगा हमारा फ़ोन ये, तो वीडियो को लास्ट एंड तक आप ज़रूर देखेंगे तब जाके आपको प्रॉपर समझ में आएगा। J206 J210F। तो बस जैसे ही ऑन हो जाता है फ्रेंड, तो फ्रेंड हमारा ये फ़ोन स्टार्ट हो चुका है। अब जैसे ही फ़ोन हमारा स्टार्ट हो गया है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये सुपर सू ये इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको जाना है सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है अबाउट में। अबाउट में जाने के बाद फ्रेंड्स आपको जाना है यहाँ पे सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन। सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में जाके आपको बिल्ड नंबर पे 7 बार टैप करना है। उसके बाद आपको बैक करना है। बैक करने के बाद फिर से बैक। अब उसके बाद हमें आना है डेवलपर ऑप्शन में। डेवलपर ऑप्शन आने के बाद हमें यूएसबी डिबगिंग को ऑन कर देना है, यूएसबी डिबगिंग को इनेबल कर देना है। बस इतना ही करने के बाद आपको फ़ोन को डाटा केबल से लगा देना है और बाकी का प्रोसेस हम अपने पीसी में आपको दिखाते हैं फ्रेंड। जैसे आपको यूएसबी डिबगिंग को ऑन कर देना है, डाटा केबल से आपको फ़ोन को लगा देना है फ्रेंड्स, और आपको डिवाइस मैनेजर में ये देख लेना है कि हमारा एंड्रॉयड बन रहा है कि नहीं बन रहा है सारा चीज़। अब उसके बाद हमें करना क्या है, अब अपने Z3X में आना है फ्रेंड। Z3X में आने के बाद यहाँ पे आपको जाना है रिपेयर में। रिपेयर में जाने के बाद जो हमारी लीगल IMEI है हम उस IMEI को यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं 57, और ये दूसरी वाली भी हम ले लेते हैं यहाँ पे कॉपी, और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, ये आप देख सकते हैं। और इसको कर देना है आपको टिक, और यहाँ पे आपको देख लेना है कि DB का इंटरफेस बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जैसा कि यहाँ पे हम कर देते हैं अलाउ, आपकी स्क्रीन में एक अलाउ का मैसेज आएगा। तो जैसे ही आपका ये आ जाएगा, अगर आपका ये यहाँ पे नहीं आता है, ऑफिशियल आता है तो नहीं काम करेगा। यहाँ पे J210F आप देख सकते हैं डिवाइस हमारा हो चुका है। अब सिंपल सिंपल हमें कर देना है रिपेयर, तो यहाँ पे हम रिपेयर पे कर देते हैं टिक, और ओके हमारा DB ड्राइवर हमारा कम्प्लीटली ओके है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट हो रहा है। अभी यहाँ पे एक परमिशन मांगेगा आपसे, ग्रांटेड का सुपर सू आपको ग्रांट का एक परमिशन मांगेगा आपके मोबाइल स्क्रीन पे। तो अगर आप नहीं देंगे तो आपका नहीं होगा फ्रेंड्स। देख सकते हैं फोन हमारा रिस्टार्ट हो चुका है। अब मैं मोबाइल के माध्यम से आपको दिखाऊंगा कि हमारा काम हुआ कि नहीं। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये डाटा केबल से लगा ही हुआ है फ्रेंड। आप इस फ़ोन को देख सकते हैं ये डाटा केबल से हमारा ये लगा ही हुआ है। तो बेसिकली आपको सारी चीज़ें यहाँ पे हमने जो करके दिखाई स्टेप बाय स्टेप, अब इसमें देखते हैं कि हमारा जो IMEI था वो रिपेयर हुआ कि नहीं हुआ। तो इसको ओपन करते हैं, ओके करते हैं, और उसके बाद चेक करते हैं कि हमारा जो IMEI था वो रिपेयर हुआ कि नहीं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा IMEI जो था जो 00 हो गया था वो बहुत ही सक्सेसफुली से रिपेयर हो चुका है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे ही आप किसी भी मतलब मॉडल का आप नेटवर्क नो सर्विस आप रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो के मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। We'll be right back.